बादब। रुकिए खातून, कैसे आई हैं? शहजादे के कमरे की सफाई करने आई हूँ मैं। क्या तुम्हें भेजा है? ठीक है, जा सकती हो। माफ कीजिएगा शहजादे। पुरसुकून रहो, परेशान मत हो, कोई बात नहीं। कांप क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? घबराहट से शहजादे। देखिए कैसे धड़क रहा है दिल मेरा। खैर अम्मी, तुम्हें भी मेरे बेटे। थकान उतर गई तुम्हारी? जी हाँ, काफी बेहतर हूँ अब। मलिका, शहजादे, मैंने तो सुना था कि आप जख्मी हो गए थे। क्या, कैसे जख्मी? दुश्मनों से जंग करते वक्त हो गया था, लेकिन डरे नहीं, कोई बड़ा जख्म नहीं था, अब तो ठीक भी हो गया। ऐसा सोचकर ही खौफ आता है मुझे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता क्या करती मैं? मैं ठीक हूँ अम्मी। मुस्तफा मेरे बेटे, एक वादा करो मुझसे तुम, आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए पहले अपने बारे में सोचोगे, अपनी हिफाजत करोगे और बिल्कुल दूर रहोगे खतरों से। मैं अपना ख्याल रखूंगा, इजाजत दीजिए। गुलशा, मुस्तफा के लिए एक महफिल मुनक्कित करना चाहती हूँ मैं, कुछ तबीयत बहल जाएगी मेरे शेर की। नरगिस तैयार हो जाओ। तुम भी तैयार हो जाओ। नौरा, तुम भी तैयार हो जाओ। आज शाम शहजादे के लिए महफिल में शिरकत करोगी तुम। मैं भी? हाँ क्यों नहीं, हैरान क्यों हो गई? क्या शहजादे का सामना नहीं करना चाहती हो तुम? मैं क्यों नहीं चाहूंगी, एहसास होगा मेरे लिए। तो ठीक है, चलिए बाकी सब अपने अपने काम कीजिए। महफिल का मौका कहाँ से आ गया? तुम्हें इससे क्या वास्ता? वालदाए सुल्तान को खबर है क्या? तुम्हारा क्या वास्ता इससे ताया खातून? जाओ अपनी जगह पर बैठकर
शुक्र अदा करो खुदा का। तुम कौन होती हो मुझसे ऐसे भाग? असल में तुम कौन हो? हरम का निजाम अब मैं चला रही, भूल गई हो तुम क्या? जाओ यहां से, अब दिमाग मत खराब करो मेरा। नोरा खातून, खैर तो है, क्या कर रही हो तुम यहाँ? आज शाम शहजादे के लिए मैं रक्स करूंगी आगा। अच्छा ये बात है, बहुत अफसोस है तुम पर, कैसी एहसान फरामोशी की है मलिका से, अफसोस। बेकसूर कहती हो खुद को, क्या तुम्हें ज्यादा नवाजा गया है? मैं बिल्कुल बेगुनाह थी, फिर भी रुस्वा किया मुझे। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, बातें कर रहा हूँ। इसकी जान छोड़ दो, दूर रहो इससे, घिनौने खेल का अलैका ना बनाओ इसे। ये मेरा हुक्म है गुलागा, अभी जाओ सुंबुल के साथ, तैयार कराओ कनीजों को।